नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो सेशन में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आज 1/12/2021 को जारी हुआ है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि आपका एग्जाम कितने चरणों में होगा और आपके एग्जाम का टाइम क्या रहेगा, कितनी बजे से कितनी बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा और किस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। ये दोस्तों जो शेड्यूल बताया गया है ये राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या जानकारी मिलती है। यहाँ दोस्तों लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 4/2021 क्रमांक 986 दिनांक 6/9/2020 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1309 दिनांक 28/10/2021 को जारी की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 के आयोजन की तिथि 27/12/2021 एवं 28/12/2021 नियत कर दिनांक 28/9/2021 को प्रेस नोट प्रकाशित किया गया था। तो 28/9/2021 को हमें यह जानकारी दी गई थी कि 27 और 28 दिसंबर 2021 को आपका एग्जाम होना है। तदनुसार ही ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, आपका जो एग्जाम है यह 27 और 28 तारीख को होना है चार चरणों के अंदर। 27 तारीख सोमवार की बात करें तो प्रथम चरण का आपका एग्जाम होगा जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होने वाला है। 2 घंटे का इस एग्जाम में आपके पास में समय रहेगा। 27 तारीख को सोमवार को ही द्वितीय चरण का एग्जाम होना है जो कि 2:30 से लेकर 4:30 तक होने वाला है। इसी प्रकार 28 तारीख मंगलवार को 2 चरणों में और आपका एग्जाम होगा। कुल 4 चरणों में आपका ये एग्जाम होने वाला, यानी 4 पारियों में आपका एग्जाम होगा 27 और 28 दिसंबर को, और आपको इस एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी बताया गया है। उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि उक्त पदों की परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट अथवा स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बारे में अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आप एसएसओ आईडी के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाओगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस और डाला गया है, परीक्षार्थियों परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी पर ही आप विश्वास करें, क्योंकि उसी को अधिकृत माना जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा, तो 27/12/2021 को जिनका एग्जाम होना है उनका जो एडमिट कार्ड है वो 20/12/2021 को जारी कर दिए जाएंगे। यानी एग्जाम से 7 दिन पहले आपका जो ई प्रवेश पत्र या जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है 28 तारीख वालों का जो प्रवेश पत्र है वो 1 या 2 दिन बाद में जारी किया जाए, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो कुल 4 चरणों में ही आयोजित करवाया जाएगा, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये काफी बड़ा एग्जाम आपका होने वाला है। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम कहाँ पर होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर ही होना है, ठीक है। जिला मुख्यालय पर आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा और जो महिला अभ्यर्थी है उनका जो सेंटर है वो ऐसा माना जा रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाएगा अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी है उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इस बार भी महिलाओं को उनका होम जिला जो होता है, गृह जिला जो होता है, उसी में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपने जिस तरह से एग्जाम सेंटर का चयन किया है उसी प्रकार आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी की टेस्ट सीरीज या टेस्ट वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे दोस्तों अगर आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो लेकर आऊंगा, जहां से
ग्राम विकास अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाने की 100% संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।